I got an AX grading and I topped the course and written exam. Amazing, sir. Amazing. What a journey, sir. What a journey. And sir, this was the time when, you know, I think if I'm not wrong, sir, correct me if I'm wrong, the terrorism in Kashmir had just started in Poonch, right? हमने देखा ये होते हुए, ये देखा, और मैं जो है क्योंकि करंट अफेयर्स का फैन रहा हूँ बचपन से, मुझे नजर आ रहा था ये होने वाला है, ये मैं बात करता, मैंने कहा यार ये बेनजीर भुट्टो सामने आके भाषण दे रही है इतने जबरदस्त, जैसे कॉलेज की डिबेट में हो और इस तरीके से, मैंने कुछ ना कुछ होने वाला है। ये 87-88 में सेंस करना शुरू कर लिया था हम लोगों ने, 89 हम वहीं थे जब पहला ग्रुप हमने पकड़ा ये पाकिस्तानी टेररिस्ट का वहां पे। सो या दैट वाज लाइफ वाज चेंजिंग दैट टाइम। सो यू, इट इज नॉट रॉन्ग टू से कि यू गाइस वर द फर्स्ट वन टू एनकाउंटर दिस इन कश्मीर। सो सर, आपकी, यू नो, आई वॉच ऑल योर वीडियोस, बिंज वॉच, ठीक है। सो यू हैड टोल्ड इन वन ऑफ योर वीडियोस कि योर फर्स्ट मेंटोर वाज योर कमांडिंग ऑफिसर। So what was the role of a mentor and what was the role of the commanding officer in your life, sir? देखो मेरी जिंदगी में ना इनका बहुत जबरदस्त रोल रहा है, उनका नाम है जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय। स्वागत है आपका द फौजी शो में। द फौजी शो में सामाजिक जिम्मेदारी की तरफ एक विनम्र कोशिश है। इस शो से इकट्ठा किया हर पैसा भारत के वीर फाउंडेशन में जाएगा ताकि हमारे शहीद भाई बहन की फैमिलीज को कोई भी आर्थिक समस्या ना आए। आपके एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से किसी की सहायता हो सकती है, क्योंकि मैं खुद एक एक्स एनडीए हूँ और नेशनल डिफेंस अकेडमी में 3 साल ट्रेनिंग किया हूँ। मैं सम्मान करता हूँ हर उस भाई बहन का जो सरहद पर है, ताकि हम जैसे लोग, आप और मैं, चैन की नींद सो सके। गुड इवनिंग जेंटलमैन, आज हमारे साथ मेरे मेंटर, मेरे द्रोणाचार्य, मेजर जनरल यश मोर, सेना मेडल। ही इज अ डेकोरेटेड वेटरन, ही इज लाइफ कोच, फिटनेस एंथुसियास्ट, यूएन पीसकीपर, सीईओ ऑफ सेव द हिमालयस, एंड ही हैज ट्रिपल मास्टर्स, पीएचडी इन न्यूक्लियर स्ट्रेटजी, टेडएक्स स्पीकर, मतलब जितनी भी, जो भी है ना, जो भी कुछ पॉसिबल है वो सर है ऑलरेडी, ठीक है। And he is mentoring right now more than 1 lakh aspirants across all platforms, and that too in so short time. He has got this much of following because of his genuineness and frankness, and unka jo bada dil hai, he is there for you guys aspirants. So thank you very much, sir, for making me join your team. It is my privilege and honor to even talk to you. So thank you very much, sir. And today, guys, we will talk about failures in life. No one talks about failures, leadership role, mentorship. Iska matlab kya hai? Aur how was sir's experience in army? So stay tuned aur end tak dekhna please. Brother, ye pehli baar ho raha hai ki mere channel pe mera koi interview le raha hai. Main duniya ke interview leta hu aur tum aa gaye ho wahan se mera interview le. This is amazing. ये फौजी शो स्टाइल है सर, ये हम फौजी शो पे यही करते हैं। मैं सोचा मैं तेरे से कुछ पूछूंगा, तुमने मतलब बिफोर आई कुड स्टार्ट योर, चलो सर मेरे बारे में तो मैं तो छोटा आदमी सर, जब बड़ा आदमी हो ही हैज टू, आपके लाइफ एक्सपीरियंस से ज्यादा लोग समझेंगे। तो सर यू आर फ्रॉम मिलिट्री स्कूल, और मतलब यू आर फ्रॉम लाइक 6th-7th ग्रेड, यू आर अ कैडेट, तो आप बचपन से फौजी हो, एंड योर फादर वाज आल्सो इन द आर्मी। सो सर, how was that experience in your military school when you were not able to make NDA, jo aapka first failure tha? So how was that experience? How did you transform that failure into success? aisa tha Simrit, main na military school mein tha, Rashtriya Military School Bangalore, aur mujhe sab cheezon ka shauk tha padhai ke alawa, theek hai, sab cheezon ka shauk tha पढ़ाई के अलावा, मुझे सारी चीजों का शौक था। सो दिस थिंग ना वाज यू नो इन अ वे यू नो मुझे मैथ्स खासतौर पे बहुत मुझे मतलब खौफ होता था, और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, बिकॉज मेरा इंटरेस्ट था
यू नो बुक्स पढ़ने में, भागने में, दौड़ने में, बॉक्सिंग में, क्रॉस कंट्री में, एथलेटिक्स में, मतलब आप बोलो कौन सी चीजें जो नहीं करी, डिबेट्स में, डिक्लेमेशन में, ड्रामेटिक्स में, मतलब हर चीज में स्टेज पे होते थे लेकिन क्लास में नहीं होते थे, और बंक करने में, बंकिंग में, ये सारी चीजें हमने स्कूल में करी, तो नेचुरली कुछ ना कुछ तो सफर करेगा। तो आई रियलाइज कि बाय द टाइम आई रीच 10th यार मैथ्स तो बहुत मुश्किल है। तो जब 10वीं का पेपर दिया ना, आई लिटरली थ्रू माई मैथ्स बुक्स आउट ऑफ द विंडो, जो मुहावरा है, मैंने एक्चुअल में करके दिखाया है, तो मैं क्या जिंदगी में दोबारा हाथ नहीं लगाऊंगा। तो एनडीए वॉज नॉट माई कप ऑफ टी, एंड माई फादर वॉज डिसअपॉइंटेड, ही वॉज सुबेदार मेजर दैट टाइम ऑफ सेकंड गार्ड्स, ही से यार तेरे को वहां स्कूल में भेजा तो अफसर बनने तू, तो मैंने कहा नहीं डोंट वरी, बनेंगे हम अपने तरीके से, बनेंगे स्टाइल से। सो दैट इज हाउ आई अंडरस्टूड दिस कॉस्ट ऑफ फेलियर एंड आई वेंट टू कॉलेज। एंड मैं अपने स्कूल में ना जब निकला था बता के गया था अपने टीचर्स को कि सर 2 साल बाद मैं यहाँ सेकेंड लेफ्टिनेंट बन के आऊंगा, एंड एग्जैक्टली 2 ईयर्स लेटर आई वॉज डूइंग द कमांडो कोर्स, आई वॉज डूइंग द कमांडो कोर्स इन बेलगाम, आई वेंट टू माई स्कूल एज अ सेकेंड लेफ्टिनेंट। ग्रेट सर, सो सच अ वंडरफुल जर्नी सर यू हैव, एंड गाइस समझदार वो आदमी होता है जो दूसरों की गलतियों से सीखे, ठीक है? सो इसलिए तुम समझदार बनो एंड स्टार्ट वर्किंग हार्ड सर। From not clearing NDA to, you know, triple masters, PhD, nuclear strategy, then finally staff college in Bangladesh, best student there. So academically, so you are achieved whatever a person could achieve in life. So no one can say ki aap padhai mein kamzor ho. Ab you are not kamzor. Simrat, mere classmate aur mere jo mujhe us image se jante hain, kafi abhi bhi bhachakke rehte hain. Kehte hain yaar ye kahan se banda jaye. ये तो मुझे पढ़ाई का, मैंने बोला ना मैथ्स में प्रॉब्लम थी, बट जब मुझे पता लगा फौज में आके, पहले कोर्स में तो मैं ऐसे ही कैजुअल था, कमांडो वगैरह ठीक है, भागने दौड़ने में तो कर लिया सारा कुछ, बट मुझे 89 में ये इल्म हुआ, मुझे किसी ने बोला यार तेरे में इतनी काबिलियत है, तू स्पोर्ट्समैन है, तू गांव का रहने वाला है, तू इतना मिलिट्री स्कूल का लड़का, तू इतना सॉलिड है, डोंट यू एवर एस्पायर कि तूने सीओ बनना है, तूने कुछ जिंदगी में करना है, या भागता रहेगा, गेम खेलता रहेगा। सो दैट वाज अ शॉकिंग मोमेंट फॉर मी। देन आई रियलाइज्ड कि नहीं, फौज में पढ़ाई लिखाई की बहुत जरूरत है। मैंने पढ़ना सीखा, मैंने मैथ सीखा दोबारा। ग्रेट सर, ग्रेट, यू टुक द कांसेप्ट ऑफ, यू टुक द कांसेप्ट ऑफ स्कॉलर वॉरियर टू द हार्ट एकदम। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। सो सर आपकी, यू नो आई वॉच ऑल योर वीडियोस, बिंज वॉच, ठीक है? सो you had told in one of your videos ki your first mentor was your commanding officer. So what was the role of a mentor and what was the role of the commanding officer in your life, sir? देखो मेरी जिंदगी में ना इनका बहुत जबरदस्त रोल रहा है। उनका नाम है, he retired as a brigadier पुष्पिंदर सिंह मान, वो पटियाला के रहने वाले थे, he was a short service officer, short service से ज्वाइन किया था उन्होंने आर्मी में। Wow. All thin, lanky, you know, फ्रॉम ठेठ, जैसे हम हरियाणा के, वो पंजाब के थे। उन्होंने मेरे को मेंटोर किया, उन्होंने मेरे को ये झटका उन्होंने दिया, कहता तेरे में इतनी काबिलियत है, यू हैव सो मच टू डू, व्हाई डोंट यू डू, एंड देन ही सेज नाउ आई एम गिविंग यू अ चांस, ही सेज दिस नेक्स्ट कोर्स यू विल गो। तो कोर्स का नाम था मोटर कोर्स। मोटर कोर्स में ऐसे तुम्हारे फादर आर्टिलरी से एडी में है, आर्टिलरी टाइप की, मोटर इज अ तोपखाना ऑफ इन्फेंट्री, सीओ का तोपखाना है। उन्होंने मुझे मोटर पोजीशन पुंछ में, जहां हमारी मोटर्स डिप्लॉयड थी अगेंस्ट पाकिस्तान, मैं एडजुटेंट था यूनिट का, कहता वहीं से काम करना, फोन ही तो चाहिए। तो आई लग देयर, और वहां एनसीओस सिर्फ थे और एक जेसीओ था, मेरे को बोला तू वहां जाके प्री कोर्स कर। आई वेंट देयर, आई स्टेड इन मोटर पोजीशन इन पुंछ फॉर वीक 10 डेज, पूरे दिन मोटर उठा के यहां से वहां, मैं अकेला तीनों मोटर पोजीशन, मोटर नंबर्स का काम करने लग गया, पूरा सीख लिया मैंने कि मोटर कैसे। और वो लोग मेरे उस्ताद बन गए, वो मेरे उस्ताद। मैंने कहा यार भूल जाओ, मैं कैप्टन हूं, तुम हवलदार हो। एक हवलदार बलविंदर था, उसको मैं अपना मेंटोर मानता, बाद में सुबेदार बलविंदर रिटायर हुआ, उसने मुझे, वो पढ़ा लिखा था, अच्छा उसका मैथ्स मेरे से अच्छा था, मेरे को शर्म आती बलविंदर का मैथ्स मेरे से अच्छा था। तो क्योंकि ना मोटर में यू टू कैलकुलेट, टास्क टेबल बनाना था, कितने मिनट में कितने मोटर फायर करेंगे, कौन से टारगेट पे, तो कितने गोले एचई के हो गए, कितने इल्यूमिनेशन के हो गए, कितने स्मोक के राउंड फायर करोगे। तो आई लर्न देयर एंड आई वेंट ऑन दिस कोर्स, सिमरत टू मऊ इन्फेंट्री स्कूल मऊ। मेरा पहला कोर्स था दिसंबर 89, आई गॉट एन एक्स ग्रेडिंग,
and I topped the course and written exam. Amazing, sir. Amazing. What a journey, sir. What a journey. And sir, this was the time when, you know, I think if I'm not wrong, sir, correct me if I'm wrong, the terrorism in Kashmir had just started in Poonch, right? हमने देखा ये होते हुए, ये देखा, और मैं जो है क्योंकि करंट अफेयर्स का फैन रहा हूँ बचपन से, मुझे नजर आ रहा था ये होने वाला है, ये मैं बात करता, मैंने कहा यार ये बेनजीर भुट्टो सामने आके भाषण दे रही है इतने जबरदस्त, जैसे कॉलेज की डिबेट में हो और इस तरीके से, मैंने कुछ ना कुछ होने वाला है। ये 88 में 87-88 में सेंस करना शुरू कर लिया था हम लोगों ने, 89 हम वहीं थे जब पहला ग्रुप हमने पकड़ा ये पाकिस्तानी टेररिस्ट का वहां पे, सो या दैट वाज लाइफ वाज चेंजिंग दैट टाइम। सो यू, इट इज नॉट रॉन्ग टू से कि यू गाइस वर द फर्स्ट वन टू एनकाउंटर दिस इन कश्मीर। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, वंडरफुल सर, दैट्स वंडरफुल। सो सर, नाउ वी आर मूविंग फ्रॉम अ यंग ऑफिसर टू अ स्लाइटली सीनियर ऑफिसर टू पंजाब, यू नो insurgency is at its peak and you are in one of the hot belts. How was that experience, sir? As a leader, it was your first leadership experience. Now, from getting a mentor to being a mentor, so how was that experience, sir? ये बहुत जबरदस्त है सिमरत, क्या हुआ December 90 में, December 90 में, क्योंकि you know you become company commander in your turn, it is by seniority. तब तक मैं adjutant था and मेरा ना longest tenure है adjutant का, मेरी यूनिट के इतिहास में शायद। तो अब यार डेस्क जॉब करना, सीओस की, कंपनी कमांडर सीनियर होते थे, उनकी भी डांट सुनना, सीओ की भी सुनना, हाउ टू मैनेज, इट्स क्वाइट अ टास्क। ऊपर से आई वाज अ स्पोर्ट्समैन, तो फर्स्ट गार्ड की बास्केटबॉल टीम हो, हैंडबॉल टीम हो, एथलेटिक्स टीम हो, हॉकी हो, फुटबॉल हो, क्रॉस कंट्री हो, हर चीज में थे हम। तो मतलब जिंदगी ना, एक जिंदगी कैसे मैं बता नहीं सकता, हम कमांडो से कम नहीं थे, मतलब सोने को नहीं मिलता था। You have seen हमारा पैशन तब, तो आप सोचे जो हम कैप्टन थे तो हम कितना गेम्स, तो तब जैसे ही एक हमारे कंपनी कमांडर पोस्टिंग गए, आई बिकेम सीनियर मोस्ट, आई वॉक्ड अप टू द सीओ, मैंने कहा सर आई मस्ट बिकम कंपनी कमांडर नाउ, सो आई वेंट टू कमांड अ कंपनी, एंड उस कंपनी का इट वॉज चाली कंपनी, सो फर्स्ट थिंग आई डिड आई नेम्ड इट चीता कंपनी, वो आज तक तो चीता कंपनी कहते हैं, हमने कहा तुम चार्ली नहीं हो, अब अल्फा ब्रावो चार्ली नहीं हो, तुम चीता बन गए हो। एंड हम थे पट्टी में, पंजाब में पट्टी में, बिल्कुल आउटस्कर्ट्स में, एक एफसीआई का गोडाउन, एफसीआई के गोडाउन के अंदर रहते थे हम, ऐसे कोई जगह नहीं थी, कोई स्कूल में कोई कहीं है, एंड उग्रवाद बिल्कुल चरम पे था, बिल्कुल चरम पे, जिसको कहते हैं ना, मतलब शाम होती थी तो लोग घरों में घुस जाते थे, पुलिस भी, पुलिस के थाने भी ताले लग जाते थे, और फिर खड़कुओं का टाइम शुरू हो जाता था, मतलब आई हैव सीन दैट फेज जब हम डिप्लॉयड हुए वहां। सो हम गए वहां, तो मैंने वहां पे वही थोड़ा अनकन्वेंशनल, थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल, जोश बहुत था, जान बहुत थी, मतलब कुछ था कि कुछ कामयाबी लेनी है अपने लिए, फौज के लिए, और उस हालात को ठीक भी करना है, क्योंकि मैंने कॉलेज तो पंजाब से ही किया था, फिरोजपुर से, तो इट वॉज माई प्लेस, मैं इन जगह पे कॉलेज से घुमा हुआ था, so I said we must do, so their mentorship में मैंने अपने, मेरे पास जो भी young officers रहे, मेरे जो JCOs NCOs थे, उसको उस time पे I was able to tell them the correct nuances of fighting terrorism, the correct manner in which we have to approach, how do we deal with people, लोगों का दिल भी जीतना है, isolate भी करना है terrorist को, उनको ठोकना भी, और peace भी लेके आना, finally peace लानी है ना, just we are not in numbers game, so we had मेरे time पे election हुए, जब बेअंत सिंह चीफ मिनिस्टर बने, हिस्टोरिकल इलेक्शन पंजाब, सबसे ज्यादा पोलिंग मेरे एरिया में हुई पंजाब में, क्योंकि आई वेंट राउंड, मैंने कहा भाई वोट डाल दो, कहता साहब वो कह रहे हैं कि गोली मार देंगे जेड़े परिवार के बंदे पहले वोट डालेंगे, मैंने कहा नहीं हम 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 तो व्हाट अ मैन सर, व्हाट अ मैन गाइस, इफ यू आर लिसनिंग टू दिस, प्लीज टेक इट इन लेटर एंड स्पिरिट, ठीक है, टेक इट, जोश में लो इसको, कि हाउ डिड दिस मैन अचीव सो मच सर, that experience sir, जब आप सेना मेडल आपके you know सीने पे लग रहा है, what was going in your mind, कि family याद आ रही होगी sir, कि you know your जोश, ये बहुत मेडल एंड ऑल का ना, मैंने कभी ना सिमरत परवाह नहीं करी, मैंने कभी रिवॉर्ड के लिए काम नहीं किया, I strongly believe जो गीता में लिखा ना कि यार हम कर्म करने आए, कर्म भूमि है, हमने वर्दी पहनी है देश की, यहाँ मेडल या छोटी मोटी चीज के लिए कुछ करेंगे ना, ये आपको जिंदगी में कहीं ना कहीं चोट लगेगी, तो मैं बहुत स्ट्रांगली इसमें बिलीव करता हूँ, वैसे एथिस्ट हूँ सोच में, लेकिन गुरुओं की बाणी, गुरुओं की बाणी,
पढ़े लिखे बड़े बड़े लोगों की बानी, चाहे वो बुल्ले शाह हो, गुरु नानक हो, कबीर हो, सूरदास हो, विवेकानंद की पूरी कलेक्शन है मेरे पास यहाँ, रामकृष्ण परमहंस, तो मैं क्या ना मेरा सब सबका समावेश कहीं ना कहीं मैंने लिया है। तो मैं बिलीव करता रहा, देखो ये हमारा धर्म युद्ध है, ये वॉर ऑफ राइटियसनेस, नॉट रिलीजन, वॉर ऑफ राइटियसनेस। तो हमने ये, मैंने कश्मीर में भी बहुत कामयाबी ली, सेना मेडल वहां मिला मेरे को कश्मीर में जाके, यहां हम करते रहे काम, हमने कोई परवाह नहीं की मेडल की, मैंने कहा जिसको चाहिए ले लेना यार, हमें तो जो है ना मेडल क्या, फौज ने देश ने मेजर जनरल बना दिया, इससे बड़ा मेडल क्या हो सकता है सिमरन। सर मेडल इज इन 34 आर आर, राइट सर? 36 आर आर, 36 आर आर, यस सर। सो दैट मस्ट हैव बीन अनदर एक्सपीरियंस, राष्ट्रीय राइफल्स। दैट वाज हाई पॉइंट ऑफ माय मिलिट्री करियर, वेयर जो मैंने इतने साल में सीखा था, जो मैंने पढ़ा था, वो मैंने वहां ग्राउंड में एग्जीक्यूट किया, और लोगों को आज तक लोग याद करते हैं वहां साउथ कश्मीर में, जवान भी याद करते हैं, लोग भी याद करते हैं, और लीडरशिप भी याद करती है। यार एक था वहां पे जिसने नया तरीका निकाला, अनकन्वेंशनल, अनप्रेडिक्टेबल, स्मॉल टीम ऑपरेशंस बहुत फेमस है, यश मोर का नाम लगते ही स्मॉल टीम ऑपरेशंस लग जाता है। यस सर, वो तो हम सबको पता है सर, आर्मी बैकग्राउंड वालों को तो, बिकॉज वी नो व्हाट यू गाइस डिड, बट अमेजिंग सर, अमेजिंग। सो सर, जिस चीज के लिए हम यहाँ पे है, वी यू नो यू आर मेंटरिंग किड्स नाउ, एंड यू आर यू नो more than 1 lakh aspirants you are mentoring. So you have made a course BOAC. So how is, why is coaching? Do you think, sir, coaching is required to clear SSB? Because pehle to, you know, this is a one of the most asked questions. Because itni mehengi coaching hai sir abhar, aur you know itna dedication bhi nahi jitna aap log dikhate ki ek saal tak haath pakad ke, you know, you are taking. Sir, do you think, sir, ki coaching is required for SSB? Main kehta hu, aap kisi ka bhi jo mere जो समझते हैं वो मानेंगे। इनफैक्ट क्या हो रहा है, लोग जो मुझे एसेसर्स हैं वो कहते हैं सर अच्छे भले बच्चे दे नॉट रिकमेंड देमसेल्स, अनसेलेक्ट होते हैं अपने आप को बिकॉज ऑफ टू मच ऑफ कोचिंग, बिकॉज ऑफ यू नो टू मच ऑफ कोचिंग इज सो बैड। और मतलब ना आप इतनी मिथ सुनते हो, इतना डेस्परेट हो जाते हो कि जो होने वाले बच्चे वो भी नहीं होते, सो यू गो देयर एज ए पजल्ड पर्सनैलिटी। मैं कहता हूँ कोचिंग की बिल्कुल जरूरत नहीं है। What you require is mentorship. What you require is guidance. What you require is somebody to tell you, नहीं आप में ये कमी है, इसको improve करो। कौन लेता है mock interview बच्चों का? किसके पास time है? और आज के जमाने में आप जाते हो कहीं धक्के खाते हुए, 15 दिन रहते हो, 20-25-30-40,000 रुपए खर्च करते हो अपने माँ बाप के hard earned, and 97% result we all know is not going to get selected. No, sir. Yes. And जिसमें है उसने हो जाना है। अगर उसको थोड़ी mentoring guidance, थोड़ा देखो शिप करनी पड़ती है, थोड़ा सा चमकाना पड़ता है, खास तौर पे जो हमारे तरह है, थोड़ा विलेज बैकग्राउंड से हैं, जेसीओस एनसीओस के बच्चे हैं, फार्मर्स के बच्चे हैं, यू नो टीचर्स के बच्चे, थोड़ा सा रूरल एरिया का जो वो है, जिनके फौज में कोई नहीं है, पहली जनरेशन है, लड़कियां बहुत हैं जोश में। अब मेरे साथ बहुत सी लड़कियां जुड़ी हैं, हजारों लड़कियां फॉलो करती हैं, मेरी क्लासेस अटेंड करती हैं, तो इनको हम क्या कर रहे हैं, मुझे रियलाइज हुआ कि हमने मेंटरशिप करनी है, हम रहबर हैं, रहबर, हमने रास्ता दिखाना है कि ऐसे जाना है तुमने। तो इस चीज में क्या हो रहा है कि बच्चे सेलेक्ट होना ना होना काफी चीजों पर डिपेंड करता है, बट उनकी लाइफ चेंज हो रही है, उनको एक ना जीने का अंदाज पता लग रहा है, उनको पता है कि जिंदगी में कामयाब होने के लिए हमने क्या करना है। सो दैट मेंटरशिप प्रोग्राम, और ये आइडिया देखो बीओएसी कहीं नाम नहीं है। ये एक दिन मैं यही बैठा हुआ कंप्यूटर में, मैंने कहा यार ये मुझे करना चाहिए, तो ये आइडिया आना कि मुझे बेसिक ऑफिसर एस्पायरेंट कोर्स, ये बेसिक कोर्स है, ऑफिसर जो बनना चाहते हैं उसको दिखाते हैं, हम इल्म देते हैं कि ये पर्सनैलिटी में करना है, ये आपने इसमें करना है, एग्जाम का प्रोसीजर ये है, टेस्ट है, ये पर्सनैलिटी का टेस्ट है, कैरेक्टर का टेस्ट है। सो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग एट अ कॉस्ट व्हिच इज इक्विवेलेंट टू योर मंथ्स पॉकेट मनी। यस सर, दिस कोर्स साउंड्स सो इंटरेस्टिंग, विश आई हैड माय एसएसबी सो दैट आई कुड टेक दिस कोर्स एज अ स्टूडेंट। सर दिस कोर्स साउंड्स लाइक टोटली लाइक यू, अनप्रेडिक्टेबल, अनकन्वेंशनल, जो आपने यू नो what you have learned your teachings in the army, now you're converting it for the aspirants. So I think aspirants would like to know more about BOC course. Why is it so different? What is so different about this course, sir? Different, yeah. Dekho, pehli baat to hum 2 to 3 weeks ke andar, and I've got a crack team. I've got a very good team. Sara din meri baat nahi sun rahe. I take few classes, then I have a crack team. I've got Lieutenant Colonel Kaninika. She's one of the first pioneers, and she's been a GTO. GTO. Okay, I've got Prashant Nakra. I've got Colonel Satyan Rathod.
अगेन अ जीटीओ जो डीआईपीआर में पढ़ाते थे जीटीओ से, यस यस, इवन ही इज जॉइनिंग माय टीम. आई हैव अ पर्सन लाइक यू यंग मैन जो जो सो ऑल ऑफ अस टुगेदर आर ओनली ट्राइंग टू पुट दिस थिंग इन द माइंड कि आपने किस तरीके से काम करना है. एंड इन एन एनवायरमेंट लाइक दिस कैन यू बिलीव दिस पूरे देश के बच्चे जुड़ के एट अ फ्रैक्शन ऑफ दिस वी आर ऑलमोस्ट एवरी सेकेंड डे वी हैव सेशंस विद देम, वी असेस देम, वी गिव देम प्रैक्टिसेस, जीडी की, लेक्चरेट की, जीटीओ टास्क की, साइक असेसमेंट, इतनी टीएटी करके, सो वी आर एबल टू देन एंड मॉक इंटरव्यूज एंड हैंड होल्डिंग फॉर अ ईयर, ईयर प्लस, मतलब ईयर क्या, सारी उम्र का है ये, सारी उम्र का है. कौन करता है ये बच्चे कभी यहाँ आते हैं तो दे आर वेलकम, घर पे आ जाते हैं मेरे पास और हम इतना टाइम देते हैं इनके लिए. सो ये गाइडेंस प्रोग्राम है, मेंटर, इसीलिए डिफरेंट है. ये बाकी एकेडमी की तरह नहीं, आपने लिया कोर्स, पैसे दिए, 15 दिन खत्म हुआ, गेट से बाहर, दोबारा आओगे दोबारा फीस भर दो, नहीं तो कोई फोन भी नहीं उठाएगा आपका. यहाँ SSB में बच्चा जिस दिन स्क्रीन इन होता है वहां से फिर बात करता है, फिर उसको हम बताते, देख ले तेरे में ये कमी है, प्लीज डू दिस, प्लीज डू दिस, दिस इज वेयर यू, सो दिस इज अ काइंड ऑफ हैंड होल्डिंग, मेंटरशिप, मतलब जो जो सही तरीका है. आई थिंक दिस इज डिफरेंट, नोबडी डज दिस, इसीलिए हम ये कर रहे हैं. सो गाइज, you know, no one in the country has this kind of a course where, you know, instructors are those jinhone instructors banaye. So you must, you know, have a look. And so how can one enroll in this course? What is the procedure like? Isme kya hamara WhatsApp niche isme bhi video mein bhi aa jayega, WhatsApp number hai mere paas, team hai ek, very young people, all sub military school Georgians. Main bol to raha hu ye puri fauji team hai, मिलिट्री स्कूल की टीम है, मेरे बच्चे हैं सारे के सारे. तो देन वी हैव अ टीम, यू गिव योर, देन टेलीग्राम है मेरा चैनल, टेलीग्राम में 11,500-12,000 बच्चे हैं. माय गॉड, 11,000-12,000 बच्चे यश मोर टेलीग्राम ग्रुप है मेरे नाम से, मोर कम्युनिटी में 4,000-5,000 बच्चे जो आपस में एक प्लेटफॉर्म दे दिया. इमेजिन हमने खाली स्टेडियम दे दिया, तुम आओ इसमें खेलो कूदो दोस्ती कर लो, तो बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, बैंगलोर कौन जा रहा है, वाराणसी कौन जा रहा है, अरे मेरा ये कमजोर है, अरे इसके नोट्स भेजना, ये करंट अफेयर्स. सो व्हाट आई हैव डन इज आई हैव गिवन यू अ लेवल प्लेइंग फील्ड. यस सर, इनफैक्ट आपको शायद से यू मस्ट नो सर, एक दिन मैं आपके ग्रुप पे था, यू नो, लेट नाइट स्टॉकिंग, एंड आई वाज सेइंग कि एक गूगल मीट का कोई लिंक है, तो आई क्लिक, तो मोर कम्युनिटी के बच्चे उसमें आपस में ग्रुप डिस्कशन प्रैक्टिस कर रहे हैं रात के 11-12 बजे. मतलब कमेंडेबल, इट इज जस्ट कमेंडेबल कि व्हाट काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म यू हैव गिवन. फिर उसके अलावा, यू नो, दिस किड, ही टेल्स मी कि, यू नो, आफ्टर 1 month आई एम कॉलिंग मेजर जनरल यश मोर टीम एंड दे आर स्टिल मेंटोरिंग मी, यू नो, द फीस आई हैव पेड. सो गाइस, यू नो, यू मस्ट जॉइन दिस कोर्स एंड प्लीज हैव अ लुक, एटलीस्ट इफ यू डोंट वांट टू जॉइन, बट फर्स्ट हैव अ लुक एंड यू वुड नो कि नो वेयर इन द कंट्री, एब्सोल्युटली नो वेयर यू विल गेट दिस काइंड ऑफ अ कोर्स इन सच अ प्राइस with such instructors and hand-holding for more than, you know, 1 year, lifelong hand-holding. So, sir, at last, would you like, what is your message to the aspirant out there, sir? Aspirant ko kya bolna chahenge, sir? Oh, YouTube pe mere se bachche question pooch rahe hain. Keh rahe, sir, aapka backup plan kya tha? Jab main, dekho, mera na, main bahut hi dabang aur उस टाइप से था, मैं बहुत फोकस्ड था, फोकस मतलब पॉजिटिव चीजों में फोकस, ये मैं डेस्परेट नहीं था कि फौज में जाना है, मेरा बैकअप प्लान था, आई वुड हैव गॉन इन इधर फॉर सिविल सर्विसेज, बिकॉज मेरी करंट अफेयर्स बहुत अच्छी थी, मेरी लैंग्वेज पे पकड़ बहुत अच्छी थी. और जब तक मैं कॉलेज पहुंचा, मतलब स्कूल के 7-8 साल के बाद कॉलेज में, मैंने 2-3 हज़ार किताबें पढ़ ली थी उस टाइम पे. जो मैं बताऊं, तब तो कोई इंटरनेट कुछ नहीं था, एनी मतलब जो PhD में लोग किताबों पे रिसर्च करते थे वो मैं पढ़ चुका था. So, मेरा बैकअप था, इधर आई वुड हैव क्रैक गॉन इन फॉर सिविल सर्विसेज, आई वुड हैव गॉन इन फॉर टू बी अ पुलिस ऑफिसर, और प्रॉब्ली आई वुड हैव गॉन एंड बिकम एन एक्टर एंड गॉन टू नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, बिकॉज मुझे एक्टिंग का बहुत शौक था और पोएट्री का बहुत शौक था. तो समवेयर आई थिंक मेरे में वो भी टैलेंट था. आई यूज टू राइट, आई हैड रिटन अ फुल, यू नो, फिक्शनल नॉवल इन स्कूल. मैंने 100-200 पोएम्स लिख चुका था स्कूल में, स्कूल की मैगजीन का एडिटर था मैं, तो मुझे वो भी शौक था, कहीं ना कहीं कीड़ा था यार मैं. और एक्टिंग में आई वाज द बेस्ट एक्टर इन पंजाब यूनिवर्सिटी इन यूथ फेस्टिवल, तो हमने वहां पंजाब यूनिवर्सिटी में चंडीगढ़, अबोहर, होशियारपुर, फिरोजपुर में धाक जमा रखी थी. लड़कियां कॉलेज पूछने आती थी यशमोर कौन.
सर आई होप मैम इज नॉट वॉचिंग दिस वीडियो. ओ मैम के मच लेटर. तो ये था मेरे पास कि मैं पॉजिटिव फ्रेम में था कि ठीक है हो गया तो अच्छी बात है, बट मुझे ऐसे कभी लगा भी नहीं सिमरत की होगा नहीं, ये भी मुझे बच्चों कभी लगा ही नहीं कि होगा नहीं, पता नहीं. I was quite confident, not over confident, but मुझे, और मैं गया भी बिना टेंशन बिना स्ट्रेस के. मैंने इंटरव्यू में क्वेश्चनों के आंसर भी ऐसे दिए. जीडी भी आई वॉज द ओनली वन जो सबसे लकीर से हटके था जीडी में भी. वाओ सर वाओ. सो आई थिंक दैट इज व्हाई यू नो अगर आप डेस्परेशन आप में होती है तो देयर इज अ ह्यूज चांस कि यू डोंट मेक इट. बिकॉज़ डेस्परेशन इज नॉट लाइक एप्ट इन अ एस्पिरेंट. सो ऑलवेज हैव अ बैकअप प्लान गाइस. So, sir, anything about the BOCC course? BOCC course भी ना बहुत interesting है सिमरत. इसकी क्यों, इसकी इजाद कैसे हुई? ये again, पहले मैंने BOSC का सोचा था. Yes. फिर मैंने देखा सैकड़ों लड़के लड़कियां कोर्स करना चाहते हैं, मेरे से बात करते हैं थ्रू इंस्टाग्राम, फोन करते हैं, ये वो बोल ही नहीं पा रहे हैं. कम्युनिकेशन इतने वीक है, इतना वीक है कम्युनिकेशन. मैंने कहा तुम्हारे में सब कुछ है, गुर्दा है, ताकत है, फैमिली बैकग्राउंड है, सब कुछ है, बट बच्चे तुम क्या करोगे एसएसबी में? तुम जा, तुम्हारा मतलब आप लिख नहीं सकते हो पांच सेंटेंस, आप ये नहीं बोल सकते हो वेयर हैव यू कम फ्रॉम, उसमें पांच गलतियां हो रही हैं. तो तब मैंने लॉन्च किया बेसिक ऑफिसर कम्युनिकेशन कोर्स. और जो बच्चे कर रहे हैं ना, अभी तीन बैच चल रहे हैं, ये तीन महीने का कोर्स है सिमर. तीन महीने में, पहले महीने में दे आर फ्लुएंट. माय गॉड. हाँ, फर्स्ट मंथ में. मैं कह रहा हूँ, मैंने जिनकी फ्राइडे को मैं क्लास लेता हूँ ना, कई बार मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं मैं अपने बच्चों की प्रोग्रेस जब देखता हूँ कि ये यही लड़का लड़की है जो कैमरे में बोलने में शर्म आ रही थी, हेजिटेशन थी, आज वो ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं, आज वो अलग अलग. आई हैव गॉट अ क्रैक टीम उसमें मेरे पास. आई हैव गॉट लेडी इंस्ट्रक्टर्स इन दैट हु आर वेरी गुड इन कम्युनिकेशन स्किल्स एंड वेरी इनोवेटिव, वेरी इनोवेटिव. हम डिस्कस करते हैं जब हमारी मीटिंग होती है यार क्या क्या इनोवेशन लाया जाए. थर्ड मंथ तक हम उनको पिक्चर देख के लिखना भी, हम साइक की तरह में जा रहे हैं. हमने कहा तुम वर्ड वोकैबुलरी डेवलप करो, पिक्चर को देख के परसीव करना शुरू करो, सिचुएशन रिएक्शंस पे करना शुरू करो. अगेन कम्युनिटी बनी हुई है और छोटे बैच में 12-14 बच्चे, वो आपस में गूगल मीट पे करते रहते हैं, वो अपना जीडी कर लिया, अपना लेक्चरेट, दे बिकम अ फैमिली, दे बिकम अ फैमिली. दैट इज द क्लोजनेस दे हैव विद देयर टीचर्स एंड विद मी. सो बीओसीसी उनके लिए है जो इंग्लिश में कमजोर है, झिझक है, शर्म आ रही है, वो नर्वसनेस है हमारे में कहीं पे, वो है. तो ये करके जो स्पेशली अभी यू नो कॉलेज में है, स्कूल में, जो आगे एक दो साल के बाद ऑफिसर बनना चाहते हैं, उनके लिए आप बीओसीसी करो, कॉन्फिडेंस लेवल अपना गेन करो, फिर फोड़ दो रिटन एग्जाम, फिर आ जाओ, फिर तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता बिकॉज योर कॉन्फिडेंस वाई. प्लस कॉलेज की प्लेसमेंट सिमरत, आज के दिन क्या है, अगर ये बच्चे ग्रेजुएशन के बाद कहीं बैठेंगे प्लेसमेंट में, किसको जॉब लग रही है आज? Those who are good in communications. अब बोल ही नहीं पाओगे वहां, वो आई वी ए टीम किसी कॉलेज की, तो क्या जॉब देंगे आप? सो दैट इज ऑल्सो आई एम थिंकिंग कि इनको कामयाब बनाना है हमने. सो दैट इज हाउ बीओसीसी इज ऑन इट्स ओन, कम्युनिकेशन पे उस पे है, एंड बीओएससी ऑफ कोर्स इज एंटायरली एसएसबी रिलेटेड टू यू नो योर असेसमेंट, और उसमें भी बेसिक और एडवांस भी है. ग्रेट सर, ग्रेट. सो two courses are there guys, BOAC, BOCC, जो भी आपकी जरूरत है, please have a look at the curriculum and the instructors. World class course है at minimal you know fees. Nowhere in the world you will get such kind of a dimension and such kind of a course. And sir has a crack team, so must you should you know. Team बहुत अच्छी है हमारी. Team बहुत अच्छी है. मेरे से ज़्यादा energy है. मेरे से ज़्यादा energy है. मेरे से ज़्यादा dedicated है. You start from an early on. You know, start lifting weights, start running, और जो अपना endurance, flexibility, strength और meditation के through अपना mental strength, इन चारों पे काम करो. और you know, let it be a long-term process. Don't lose more than 5-4-5. In fact, why put on weight? मैं, yes sir. सिमरत, जिस weight में मैं academy में था, I'm yes. still almost in the same weight category. I wear the same trouser many times. So ये भी है. जब लोग yes. वो समोसे और भटूरे खा रहे होते थे, मैं नहीं खाता था. इवन एस एन आई वॉज नोन इन द यूनिट, ये साहब तो खाएगा नहीं, ये ना भटूरे खाएगा, ना पूरी खाएगा, ना समोसे खाएगा, ना बोंडा खाएगा. सो दैट रेजिस्टिंग, वो जल्दी आदत डालनी चाहिए कि व्हाट इज गुड फॉर मी, और वेट नहीं पुट ऑन करना, क्योंकि रिड्यूस करना बहुत मुश्किल है. सर एक्चुअली दैट इज ना बिकॉज यू आर कमांडो. हम तो कमांडो नहीं है सर, आप कमांडो, हम तो कमांडो नहीं यार. हम तो जब सेकंड लेफ्टिनेंट थे, लेफ्टिनेंट थे, कैप्टन थे,
ये मुझे जब मैं सर्विसेज खेल रहा था, मैं सर्विसेज हैंडबॉल टीम में था, हमारे कोच थे जाखड़ साहब बीजी रुड़की के, उसने भगा भगा, मैं टीम कैप्टन था वो कोच थे, बट टीम कैप्टन मींस आई एम मेंबर ऑफ द टीम। बहुत खास तौर पे मेरे को यू नो सैंड रनिंग करनी है, जिम करना है, क्रॉस कंट्री करनी है, एंड दोस बॉयज आप पता है जवान तो जवान होते हैं जो भर्ती इस चीज के लिए हुए हैंडबॉल के लिए। तो वहां मैंने देखा इतना फिटनेस, एंड ही टोल्ड मी दिस गुरु कि सब सबसे जरूरी यह है कि अपने आप को भगाते रहो, वेट ट्रेनिंग करते रहो, सब कुछ करते रहो, खाने पे बड़ा कंट्रोल जरूरी है। दैट इज वेयर वी दिस थिंग। तो मैं खाने के मामले में ना, मैंने कहा यार कम खाओ, अच्छा खाओ, एंड कुछ ना कुछ करते रहो। एक्चुअली इट वाज मी आल्सो, आई गॉट लाइक व्हेन आई वेंट टू एनडीए, वहां पे जाकर फिर यू नो आई स्टार्टेड लर्निंग अबाउट दिस थिंग। उससे पहले तो आई आल्सो नो वन वाज देयर टू गाइड, बिकॉज़ माय स्क्वाड हैड दिस ट्रेडिशन ऑफ क्रॉस कंट्री। So when we were crazy about cross country, sir. Like bros भागा रहे, कोई साइंस नहीं, कोई you know rest, ice कुछ नहीं, बस भागते रहो, भागते रहो, भागते रहो, भागते रहो, एकदम ना घोड़े की तरह। And that is where I realized कि what is the limit to human potential? It's limitless. You can do anything. तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी सोच सकते हो। Man is born to run. There's a famous book. किसी दिन उस पे वीडियो मैंने बनानी है। Born to run. मेरी बड़ी favorite book है वो। It proves कि humans have and so much of endurance. We can do, लोग हैं जो 100, 200, 300, 500 किलोमीटर अल्ट्रा मैराथन भी दौड़ते हैं, कुछ नहीं होता। So running is part of being a human. Sir, this is my limits I got to know, sir, in rowers, camp rowers. So rowers, sir, is like one of the toughest camps in the world in that age group. So that was where I realized when, you know, I ran with battle load rifle when I got, so we ran around 63 kilometers, sir. And we were running for 12 kilometers across hills with battle load. And I was stretcher carrier. So I was carrying stretcher also. So they used to call me the tanker. So bolte kuch bhi, you know, koi bhi banda behosh hua, uska pack, woh piche tanker ja raha, usko pakdao. So woh tanker main tha. Abhi tanker to hoon main, insaan bhi hoon sir, lekin woh tanker ke naam pe mere upar itna load. I remember when I reached the last CP. So I had like two packs, three rifles or one stretcher. Because we were completely exhausted, and you know, record barish hui thi Pune mein, record barish. So weight of your shoes also increased, shoes phat gaye, kapde phat gaye, bas hum kis tarah pahunch gaye. But that was the time where I realized, yaar zindagi mein kuch kiya hai maine, I when look back, so I thought, I think, yeah, I have done something. Memories will always remain with you, so academy days, school days, and commando, and whatever. These are tough times pe bhi hans rahe, but that time it was a positive attitude which you know. अभी उन बातों का मजा ले रहे हैं। सो सिमरत, एनीथिंग मोर यू वांट टू नो अबाउट बीओएससी एंड बीओसीसी, बिकॉज़ वी आर स्टार्टिंग द कोर्सेज वेरी सून इन नेक्स्ट फ्यू डेज। इट्स ऑलरेडी रोल्ड आउट, इन फैक्ट इट्स ऑलरेडी रोल्ड आउट। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इंटरेक्टिंग, और यंग बच्चे आए, बॉयज एंड गर्ल्स फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री। व्हाई शुड यू पे यू नो हेवी अमाउंट ऑफ योर हार्ड अर्न मनी ऑफ योर पेरेंट्स टू अ कोचिंग इंस्टीट्यूट व्हेन वी आर देयर, हम है ना। और सर मनी ही नहीं है सर, एक्चुअली मेंटरशिप भी है कि लाइफ लॉन्ग यू वुड बी देयर, राइट? सो नॉट, इट्स नॉट दैट कि 15 दिन में गए पैसा आउट। सो लेस द मनी, मोर द एक्सपर्टीज, बेटर द एक्सपर्टीज, गुड रिजल्ट्स इन प्रीवियस बैचेस आल्सो, यू नो रिजल्ट्स हैव बीन देयर। सो यू हैव गॉट लाइक एवरीथिंग हैज बीन प्रूव्ड। सो यू नो दिस सिस्टम इज ट्राइड एंड टेस्टेड, वेरी साइंटिफिक, वेरी थॉट अबाउट करिकुलम, क्रैक टीम गाइस, दिस इज यू नो call on the number in the description and ask, inquire about the course or both the courses, BOAC, BOCC. And you will speak to Injun Singh. Whenever you get recommended, you guys get recommended, you would be on the, you know, Major General Yash Mohan sir channel and Fauji Show channel. So that is guaranteed. Yeah. So sir, when are these courses starting, sir? Yeah, starting अभी 13th से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम 13th से BOCC on, BOCC तो चल ही रहा है, तीन कोर्स चल रहे हैं, एक इस बार पास आउट हो जाएगा तो एक नया कोर्स ले लेंगे। BOAC अभी हम स्टार्ट करें, गर्ल्स का बैच है, वी हैव ऑलमोस्ट 60 गर्ल्स एनरोल्ड फॉर दैट, एंड देन ऑफ कोर्स मिक्स करेंगे बैचेस, अच्छा रहता है उसमें एटमोसफियर, एंड आवर टीम इज रेडी रेडी टू टेक ऑन द नेक्स्ट कोर्स। You must check it out. Please check it out. Our number description mein hai. Aur follow sir across all platforms. Theek hai? Lit content hai, ekdam lit content. Telegram or WhatsApp or Instagram, Twitter pe bhi. Because sir, I am following you on Twitter. So
So Twitter pe actually I got to know about your ideology, which is quite similar to me. So I, you know, agree with all of you, and you have been a champion of, you know, harmony and peace in our country. I only, somebody said, whom do you bat for? I said, I bat for India. Something is there about, you know, this flag, which is worth it. Every piece is worth it, sir. So, sir, would you like to, what would you like to, how would you like to conclude this, sir? By, I just say, young boys and girls, hum hai, my second innings is for your first innings. Come and join this course. And this course is designed in a manner, it'll change your life. Or baat karo, jo log kar chuke hai ya unse, you can talk to them. And we are here to help you. We are here to guide you and mentor you. Aapki jo asli taakat andar ki, usko humne dikhana hai. Aapko dikhana aapki strength kya, aapki weakness kya, where areas you need to work and what you could do. You don't know kitna potential aap mein. You can crack it with us. Yes, sir. So, thank you very much, sir, for letting me interview you on your channel. So, I think I would be the first guy to interview a major general on his show. So, that is, I would put it in my CV, actually. So, thank you very much, sir, for this wonderful, great opportunity. Sir ke channel mein gaya aur unka interview liya maine. हमेशा कहता हूँ जब 50,000 होना था मैंने कहा ये तुम्हारा चैनल है, अभी हम 1,00,000 का टारगेट है सब्सक्राइबर्स का, मैं तो इनको बोलता तुम्हारा चैनल है, देखता हूँ कितना जल्दी करोगे, मेरा चैनल थोड़ी है. सबका चैनल है गाइस, जो भी देख रहे, जो भी देखते हैं, जो भी तुम लोगों को सपोर्ट कर रहे हो, देखो ठीक है, सब्सक्राइब भी दबाई दो, अच्छा लगता है. ठीक है, सो ओके गाइस, सो सर, वुड वी, शुड वी एंड सर? या वी एंड, वंडरफुल टॉकिंग विद यू सिमरत, एंड डिस्कसिंग दिस टू कोर्सेज दैट वी आर लॉन्चिंग, एंड वेलकम टू आवर टीम, एंड लेट्स सी, लेट्स सी व्हाट इज इन ऑफिंग. सो आई विल जस्ट यू नो thank you very much to all the viewers on the YouTube. Thank you very much. What a wonderful session. Thank you. Thank you so much. Okay, Jai Hind guys, do well and join this course.